हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। एंड हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फ्रंट एंड डेवलपर को कितनी जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट के वीडियो में बताया था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमें जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स आने चाहिए, डॉम मैनिपुलेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, इवेंट हैंडलिंग पता होनी चाहिए। तो ये सारे बेसिक्स पार्ट है जावा स्क्रिप्ट के, जिसे यूज करके हम लोग एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम फ्रंट एंड में भी और एडवांस लेवल पे जाए, हाई लेवल पे जाए, तो जावा स्क्रिप्ट के बाद हम लोग फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी पे फोकस करते हैं। तो हम लोग अभी वहाँ तक नहीं जाएंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? तो सबसे पहले चीज, जावा स्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, और जावा स्क्रिप्ट को हम लोग वेब डेवलपमेंट की सबसे फेमस लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे आप फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो, या फिर फुल स्टैक डेवलपर हो, या फिर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, इन सारे फील्ड में जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता ही है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग अपने वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को फंक्शनल बना सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं और इंटरैक्टिव बना सकते हैं, जो कि अभी के मॉडर्न वेबसाइट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड इसके साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। एंड इतना ही नहीं, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हम लोग डेटा को मैनेज करने के लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए, वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन में डायनेमिक फीचर्स अगर हमें ऐड करना हो, या फिर अपनी वेबसाइट को हमें एनिमेट करना हो, इंटरैक्टिव बनाना हो, तो भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स होते हैं, जैसे सबसे पहली चीज़, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एंड जावा स्क्रिप्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करती है, चाहे आप ओएस यूज़ कर रहे हो या फिर लिनक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हो, सारे प्लेटफॉर्म पे ये बहुत अच्छे से रन करती है, तो इसे यूज़ करना बहुत ईजी होता है। एंड जावा स्क्रिप्ट के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि हम लोग वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, और अपने वेबसाइट और अपने वेब एप्लीकेशन को एक अच्छे लेवल पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेवलपर्स होते हैं जो HTML सीख लेते हैं, CSS सीख लेते हैं, इवन जावा स्क्रिप्ट भी सीख लेते हैं, बट जावा स्क्रिप्ट को वो अपने फ्रंट एंड में कहाँ यूज़ करे, किस तरह से अप्लाई करे, ये चीज़ उनको क्लियर नहीं हो पाती है। तो उनके लिए ही मैंने ये सीरीज़ बनाई है जावा स्क्रिप्ट की, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड के पार्ट को सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट का। क्योंकि जब तक हम जावा स्क्रिप्ट सीखते नहीं हैं, तब तक हम लोग सिर्फ HTML और CSS के थ्रू एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ही क्रिएट कर पाते हैं, हम उसमें फंक्शनैलिटी ऐड ही नहीं कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए भी जावा स्क्रिप्ट की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HTML और CSS के साथ जब तक हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम एक अच्छी, एक मॉडर्न या फंक्शनल वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। एंड अगर हमें फ्रंट एंड में भी और एडवांस लेवल पे जाना है, तो हम लोगों को फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी का भी यूज़ करना होता है, तो उनके लिए भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपर के लिए। तो ये तो हो गया जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। एंड बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में, किस कौन कौन से वेरिएबल होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होता है, और हम लोग कुछ लूपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी सीखेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बेसिक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट को समझने में, इसके इंपॉर्टेंस को समझने में थोड़ी भी हेल्प मिली होगी, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि जो भी लेटेस्ट वीडियो इस सीरीज़ के अंदर या फिर मेरे इस चैनल पर अपलोड किए जाए, उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।